अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी फैमिली व्लॉग्स। आज है 3 जनवरी और मैं ड्राइविंग स्कूल पे जाकर आ गया हूँ और मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। जाऊँगा कॉलेज को, देखते आज क्या बनता है। और मेरे बहनों ने फरमाइश की है कि चूल्हे पे कोई नॉनवेज आइटम बना दो, तो मैंने कल ही फिश ला के रखा है सब साफ करके। अब वैसे हमको ग्राउंड को छोड़कर आने के बाद मैं बनाऊँगा चूल्हे पे मछली का सालन। फ्रेंड्स, हसन को मैंने ग्राउंड पर ड्रॉप कर दिया है, साथ में जाते जाते हम लेकर जाएंगे लकड़ियाँ, क्योंकि आज बनेगा चूल्हे पे मछली का सालन। हेलो, तो फ्रेंड्स मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ गया हूँ और जो भी फिश बनाने के लिए जो भी सामान लगने वाला था वो सब कुछ ऊपर पहुँच गया है। बस अब ज़रूरत है फूकनी की। फूकनी मतलब जो चूल्हे में फूकने के लिए लगता है ना पाइप, वो हमारे पास नहीं है, उसकी अब तलाशी चालू है। वो अगर मिल जाए तो फ़ौरन पकाना चालू कर दूँगा। बज रहे 6:30, एक्चुअली 15 मिनट आगे घड़ी, 6:30 बज रहे। 7:30 तक मुझे बनाना है और बीच में फिर हसन को भी लाने के लिए जाना रहता है मेरे को। देखते पटापट करते कुछ तो भी इंतज़ाम। फ्रेंड्स, चूल्हा जलाने की तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स, चूल्हा जलाने की कोशिश चल रही है लेकिन हवा की वजह से हमेशा बार बार बुझ रहा है, वो जल नहीं रहा है। फ्रेंड्स, चूल्हे पर अगर भगोना डायरेक्टली रखेंगे तो पूरा काला हो जाएगा, फिर धोने में परेशानी होगी, इसलिए इसको हम लगा रहे हैं मिट्टी कीचड़, इससे आसानी से पूरा कालापन उसका निकल जाएगा। चूल्हा जल गया है फ्रेंड्स, अब इस पर रखेंगे भगोना और पकाना शुरू करेंगे जल्दी, क्योंकि बज रहे 7:45 और मैं 7:15 बजे ऐसा को लाने के लिए जाना रहता है, तो तब तक जल्दी से बना लूँगा। रख दो हमारे इसमें। पापा पेपर लाया था कॉलेज पर। फ्रेंड्स, अम्मी बैठी है आयत को लेकर और यह है रमजान भी का ढाबा। और बहन ने जला दिया है चूल्हा, चढ़ गया इस पर भगोना, अब इस पर डालूंगा जल्दी से तेल और मसाले, खत्म कर दूंगा बात। ये यहाँ पर पिल्लू खेल रहा है मेरा। ए हट जाली, अली तफू उसको लेकर उधर खेल बेटा। बस बस, तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, अब तक मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल कर सेट करके रख दे, जल्दी जल्दी डालकर अब बनाऊंगा। फ्रेंड्स, तेल में मैंने डाला है सिर्फ अदरक लहसुन और प्याज, इसको भूनने के बाद डालूंगा इसका मेन मसाला, जिसमें है कच्चा नारियल, टमाटर, सूखे लाल मिर्च, त्रिफला और क्या रे आलू, कोथिंबीर। हिला तो बाजी, जल्दी पकता। इमली ले ला एक बार ना। मैं हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना है। फ्रेंड्स, मसाला तैयार हो गया है, अब इसमें डाल देंगे मछली। बन रहा है हमारा मछली का सालन, आ जाओ खाने के लिए। फ्रेंड्स, सालन बन गया है और उस्ता बना रही है अब जवारी की रोटियां, तो वहां पर बहन भी बना रही है, यहां पर रोटियां सीख रही है। और मैं लेकर आया हूँ क्या बोलते हैं चुरमुरे, क्या बोलते हैं चुरमुरा, छोड़ा मुरमुरा, चुरमुरा जो भी बोलते हैं वो लेकर आया हूँ। अब ईशा की नमाज को जाकर आऊँगा, तब तक रोटियाँ भी तैयार हो जाएंगी, फिर मैं बनाऊँगा चुरमुरे, फिर चुरमुरे के भेल बनाकर उसके पार्टी करेंगे। मेरी रोटी है ये मस्त, हुस्ना की बनाई हुई रोटी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, भेल बन रहा है, इधर आसमा। फ्रेंड्स, भेल बन रहा है, बहुत अच्छा बना,
बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्रेंड्स, बेल अच्छा बना के आयो माशाल्लाह। वो बन रही है रोटियां, यहाँ इनका भेल, ये मेरा भेल नहीं, मेरा मतलब जो मैंने बनाया था वो भेल। अबे खा रहे अम्मी, यहाँ पर खा रहे बच्चे लोग, और अब बज रहे हैं, और बज रहा है फ्रेंड्स 8 बज रहा है। अब एक घंटे बाद हम लोग बैठेंगे खाने के लिए, तब तक भेल पर गाड़ी चल जाएगी हमारी। एक मिनट ये हमारे हुजैफा यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और ये हमारे एहसन को उसके अब्बू खाना खिला रहे हैं, उधर अम्मी जान उसे खिला रहे हैं, सॉरी अम्मी उसे उधर खिला रहे हैं तफू को। फ्रेंड्स आज सब लोग ऊपर बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक गेट टुगेदर टाइप हो गया है हमारा। फ्रेंड्स अम्मी यहाँ पे नमाज पढ़ रही है, और बच्चे यहाँ पर अरे अम्मा जिधर खाली उधर जाने का रहता इडे। गिरता बेटू गिरता, फ्रेंड्स हाँ थोड़ी बच्चे आओ जल्दी, बच्चे निकालो क्या। हाँ फ्रेंड्स सालन तैयार हो गया, उसके बाद रोटियां भी बन गई, उसके बाद ये सूखा बांगड़ा जो था इसको भी हमने भून लिया इसमें, फिर चाय भी बन गई, सब लोगों ने चाय पी ली, मैं और रोशना बाकी है, अब हम दोनों भी पियेंगे चाय। फ्रेंड्स अब हम लोग बैठे खाने के लिए, सबको मैं परोस कर दे रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है, चूल्हे पे पका हुआ खाना तो हमेशा अच्छा ही लगता है। ये है मछली की मुंडी जो खाएगी हुस्ना। फ्रेंड्स ये मेरे अब्बा ने खरीदी थी प्लेट 30-40 साल पहले, हम अभी भी वही यूज करते हैं, अब्बा की निशानी है ये। ऐसे रोटी को चूर कर उससे सालन डाल कर खाने बहुत मजा आता है। खाना वगैरह सब कुछ हो गया फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा काम जो जो सामान ऊपर लेकर आए थे सब उठा कर लेकर नीचे जाना, और ये सब कुछ साफ़ करना। वैसे आधा सामान नीचे चला गया है, थोड़ा जो कुछ बाकी वो भी लेकर जाके साफ कर देंगे हम सब। आज है 4th जनवरी, और कल रात में हमने ऊपर टेरेस पे खाना बनाया था चूल्हे पे, और हम लोग बहुत इन्जॉय किया हम सब ने, बहुत अच्छा लगा सबको। कॉलेज से आ गया हूँ फ्रेंड्स, और एहसन जा रहा है ग्राउंड पे, और मुझे जाना है 4-व्हीलर देखने के लिए भाई के साथ, और आज अब हुस्ना बना रही है घर पे पास्ता। एहसन के फरमाइश पे बन रहे पास्ता। बेटू अभी एहसन आज असर की नमाज के लिए भी आया था, और ग्राउंड को जाने के लिए भी तैयार हो गया है, चल जल्दी टोप निकल चल जाने का। पास्ता भी तैयार हो गया है, अब मैं खाऊंगा पास्ता। पड़ोस में बैंक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है, तो जो सुबह से इन्होंने लगाई है शहनाई, अब शाम के बज रहे 5:30, अभी तक बंद नहीं हुई है, और वो शहनाई की आवाज़ सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं, दिमाग फटने लगा है, सॉरी सर फटने लगा है। उनको जाकर बता दिया मैंने वॉल्यूम कम कर दो, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने कम नहीं किया। तो फ्रेंड्स पास्ता भी हो गया है रेडी, और अबू प्लेट में डाल दिए मेरे लिए, और क्या कर रहे हैं अबू, चम्मच भी डाल दिया, तेज बताओ अबू कैसा है।
फ्रेंड्स पास्ता बन गया है। हम लोग खा रहे पास्ता और बगैर दस्तरखान के, क्योंकि सारे दस्तरखान धोने में है, नहीं मिल रहे और हमको बहुत लेट हो रहा है, इसलिए ऐसे हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। फ्रेंड्स मेरा ये वाला दांत हिल रहा है इसलिए हमें, फ्रेंड्स ऐसा उनका दांत हिल रहा है, मतलब नए दांत आ रहे हैं, पीछे दांत आ गया उसको दूसरा, सामने वाला वो हिल रहा है तो उसे बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं चबा रहा नहीं, सीधा मुंह में डाले बराबर निगल रहा हूँ मैं। एहसन को ग्राउंड पे ड्रॉप करने के बाद मेरे कज़िन के साथ मैं गया था कार देखने के लिए, तो हमने देखी थी वॉक्सवैगन की पोलो और ये ह्यूंडई i20, जो कि हमको दोनों भी पसंद नहीं आई। पोलो ठीक थी लेकिन कॉस्ट ज़्यादा था। एहसन के स्पाइक शूज़ ने बहुत परेशान कर दिया है फ्रेंड्स, ढूंढ ढूंढ कर मैं थक गया हूँ। अब एक नया दुकान मिला है, वहाँ जाकर चेक करता हूँ वहाँ पर है क्या नहीं। मैं स्पाइक शूज़ से बच्चों की चल बैठ पीछे। फ्रेंड्स ये देखो मेरे गली के बच्चे। अरे तफू हाजरिंग ऐसे हट सामने से। फ्रेंड्स ये देखो मेरे गली के बच्चे पूरे मिलकर यहाँ पर आग जलाए हैं सेकने के लिए। और आज डिनर में बनाए फ्रेंड्स कीमा आलू, जो सबका फेवरेट है। इसकी फुल रेसिपी आपको मिलेगी जूहूस किचन के चैनल पे, जिसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2 दिन का व्लॉग, मैं आपको अच्छा लगा अगर हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे जेड फैमिली ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।